हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू ऑटो गियर इंडिया। मेरा नाम है सचिन और आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी सुपर कैरी सीएनजी के बारे में। भाई सबसे पहले इसके फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर आपको जो ग्राउंड क्लीयरेंस मिलती है ना वो 175 mm की ग्राउंड क्लीयरेंस मिलती है और जो फ्रंट में सस्पेंशन मिलता है ना वो बिल्कुल जो कार्स के अंदर मिलता है ना उस तरह का सस्पेंशन मिलता है। मैकफर्जन स्ट्रट विद कॉइल स्प्रिंग इसके अंदर आपको सस्पेंशन मिलता है। तो कच्चे पक्के रास्तों में आपको है ना केबिन के अंदर गड्ढे भी फील नहीं होते, प्लस ग्राउंड क्लीयरेंस अच्छी होने की वजह से क्या होता है कि आप इजिली इसको कहीं पर भी ले जा सकते हैं। ऊपर आते हैं तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं यहाँ पे बंपर मिलता है, यहाँ पे हेडलैम्प्स मिलता है। जो हेडलैम्प्स है ना उनकी क्वालिटी काफी अच्छी है और यहाँ पे आपको साइड टर्न इंडिकेटर मिलते हैं, यहाँ पे लोगो मिलता है, यहाँ पे सुपर कैरी सीएनजी की बैजिंग मिलती है। अब ये आपको पेट्रोल और सीएनजी दोनों ही वेरिएंट्स में मिलता है। तो आज हम सीएनजी वाले वेरिएंट की बात करेंगे। जो सीएनजी और पेट्रोल में डिफरेंस होगा मैं आपको वीडियो में बता दूंगा क्या डिफरेंस होगा। यहाँ पे आपको वाइपर्स मिलते हैं, यहाँ पे वाइपर का जो लिक्विड थ्रो करता है वो मिलते हैं और जो विंडशील्ड है ना उसका डिजाइन भी काफी अच्छा है और जो वाइपर्स है वो पूरी विंडशील्ड को अच्छे से क्लियर कर देते हैं। अब यहाँ पे इसके साइड में आते हैं तो साइड में जो आपको यहाँ पे ORVMs मिलते हैं ना उनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी मिलती है, प्लस उनका साइज भी काफ़ी अच्छा मिलता है। तो पीछे का जो भी इजिली है वो पूरा अच्छे से विजिबल हो जाता है। टायर्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको जो टायर मिलते हैं वो 13 इंची के मिलते हैं और जो टायर का साइज़ है आप देख सकते हैं 155R13 के यहाँ पे टायर मिलते हैं और जो टायर की क्वालिटी है ना वो भी काफ़ी अच्छी है, ग्रिपिंग वगैरह काफ़ी अच्छी देता है यहाँ पे। अब इसके यहाँ पे पीछे आते हैं तो जैसे कि मैंने बताया था ना आपको कि सीएनजी और पेट्रोल में क्या डिफरेंस है, तो भाई यहाँ पे आपको सीएनजी वेरिएंट के अंदर 5 लीटर का इमरजेंसी बैकअप के लिए एक फ्यूल टैंक मिलता है। मान लीजिए सीएनजी खत्म हो जाती है तो आप वो 5 लीटर का जो पेट्रोल टैंक है उसको यूज़ कर सकते हैं और 6-6 किलो के 2 CNG टैंक मिलते हैं। और भाई पीछे इसके अंदर आपको रिजिड एक्सल मिलता है और जो सस्पेंशन मिलता है ना वो लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन मिलता है, तो आप इसके अंदर इजिली हैवी लोड ले जा सकते हैं और जो स्टेबिलिटी है ना वो भी बनी रहती है। और जो व्हील बेस मिलता है ना वो 2110 mm का इसके अंदर आपको व्हील बेस मिलता है और सबसे तगड़ी चीज़ मिलती है इसके अंदर वो है इसका भाई ये लोडिंग एरिया 7.2 फीट × 4.9 फीट का इसके अंदर आपको लोडिंग एरिया मिलता है। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं आप 7x50 का इसके अंदर आपको लोडिंग एरिया मिलता है। अब पीछे की साइड आ जाते हैं तो पीछे यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको रियर में टेल लाइट्स मिलती है, प्लस पीछे आपको यहाँ पे रियर में रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलते हैं। तो भाई पीछे इसको टर्न वगैरह करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती ड्राइवर को और यहाँ पे आपको स्पेयर व्हील मिलता है जिसको आप इजीली यहाँ से निकाल सकते हैं और अटैच भी कर सकते हैं। प्लस एक और चीज़ दिखाता हूँ भाई, यहाँ से बहुत इजीली इसको ओपन कर सकते हैं ऐसे और इसको यहाँ पे आप लोड और अनलोड अपने सामान को बहुत इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है यहाँ पे। तो और इसको बंद करना और ओपन करना भाई बहुत ही इजी है, यहाँ पे मारुति सुजुकी ने बहुत ही अच्छा काम किया है। अब इस साइड आते हैं तो यहाँ पे आपको बैटरी मिलती है और बैटरी का स्टैंड वगैरह वो काफ़ी अच्छा मिलता है। जो चेचिस मिलता है ना भाई उसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, बहुत ही सॉलिड यहाँ पे आपको चेचिस मिलता है। अब इसके केबिन के अंदर चलते हैं और केबिन के अंदर देखते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो भाई गेट है ना वो काफ़ी वाइड ओपन होता है यहाँ पे, बहुत ही अच्छी तरीके से ओपन होता है। प्लस जो सीट्स है ना उनकी क्वालिटी भी यहाँ पे काफ़ी शानदार मिलती है, बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स मिलती है और आप यहाँ से एडजस्ट वगैरह भी कर सकते हैं सीट्स को अपने हाइट के हिसाब से। और जो स्टीयरिंग व्हील है ना उसका साइज भी काफ़ी अच्छा है, ग्रिप करने में बहुत ही शानदार है स्टीयरिंग व्हील। और कुछ इस तरीके का इसके अंदर यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटा सा MID मिलता है जो बताता है कि CNG पे चल रहा है व्हीकल या फिर पेट्रोल पे चल रहा है। जैसे अभी करंटली CNG पे चल रहा है तो यहाँ पे CNG ब्लिंक कर रहा है, प्लस यहाँ पे कितना किलोमीटर व्हीकल चला है, प्लस CNG कितनी है और पेट्रोल कितना है वो दोनों ही अलग अलग शो करता है। और उसके बाद यहाँ पे बाकी सारे ही यहाँ पे ये सिंबल शो करता है, जैसे हैंडब्रेक लगा हुआ है, सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई, उसके सारे के ही यहाँ पे सिंबल शो करता है। और यहाँ पे अगर आपको फ्यूल चेंज करना है CNG से पेट्रोल में, यहाँ पे बटन दिया हुआ है और यहाँ पे हेडलाइट बटन यहाँ पे दिया हुआ है आपको इस साइड। यहाँ पे वाइपर्स के कंट्रोल मिलते हैं, लो और हाई यहाँ पे आपको वाइपर के कंट्रोल मिलते हैं और इस साइड आपको लाइट्स के कंट्रोल मिलते हैं। और भाई एक बहुत ही तगड़ी चीज मारुति सुजुकी सुपर कैरी के केबिन के अंदर आपको देखने को मिलती है, जो स्टोरेज एरिया है ना इसके अंदर वो भर भर के मारुति ने यहाँ पे स्टोरेज एरियाज दिए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे देख सकते हैं और यहाँ पे आप जो ग्लव बॉक्स है उसमें भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपको स्टोरेज एरिया मिलते हैं, प्लस एक स्टोरेज एरिया यहाँ पे है। तो भाई ड्राइवर अपनी सारी ही चीज़ बहुत अच्छे से यहाँ पे रख सकता है। उसके बाद हैंडब्रेक लीवर है वो यहाँ पे मिलता है, काफ़ी अच्छा यहाँ पे प्लेसमेंट किया है मारुति ने यहाँ पे हैंडब्रेक लीवर का, बहुत इजीली इंगेज और डिसंगेज हो जाता है ये। और गियर नॉब लीवर है ना भाई उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बहुत ही अच्छा यहाँ पे गियर नॉब लीवर है और बहुत ही बिल्कुल एकदम कार की तरह लगता है, यहाँ पे इजीली गियर शिफ्ट हो जाते हैं। और जो गियर थ्रोज है ना वो भी काफ़ी शॉर्ट है, बाकी इसको एक बार चला के देखेंगे तो देखेंगे कितना स्मूथ है ये। तो भाई यहाँ पे इजीली एक और बंदा बैठ सकता है। और मान लीजिए अगर ड्राइवर भाई बहुत ही लंबी जर्नी करके आ रहा है
तो वो यहाँ पे कुछ देर का नैप भी ले सकता है भाई। इस तरीके से आराम से वो कुछ देर का एक नैप भी ले सकता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज है। और जो यहाँ पे आपको पीछे रियर व्यू मिरर मिलता है उसका भी साइज काफी अच्छा है, उसकी भी क्वालिटी काफी अच्छी मिलती है। प्लस एक ग्रैब करने के यहाँ पे और एक ग्रैब करने के लिए यहाँ पे दो ग्रैबर हैंडल मिलते हैं। अब इसको चला के देख लेते हैं कि भाई इसका स्टेयरिंग व्हील कैसा है, इसका इंजन कैसा है और इसको इसके अंदर आपको इंजन की जो पावर है वो कितनी मिलती है। तो भाई इसके अंदर आपको जो इंजन मिलता है ना वो 1.2 लीटर का इंजन मिलता है 4 सिलेंडर, और जो सीएनजी के अंदर ये जो पावर प्रोड्यूस करता है वो 64 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और 85 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है। वहीं पर अगर पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल में ये 72 हॉर्स पावर और 98 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है। भाई पावर है ना वो काफी शानदार प्रोड्यूस करता है। तो आप इजीली अगर इसके अंदर जैसे ही मान लीजिए इसका पेलोड 625 किलो का इसके अंदर आपको पेलोड मिलता है, और अगर आप 625 किलो इसके अंदर लोड करके चला रहे हैं ना तो भाई बहुत ही स्मूथली चलता है ये व्हीकल, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आती। कच्चे पक्के रास्तों में या फिर चढ़ाई में या फिर कैसे भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि जो पावर है ना वो काफी शानदार मिलती है इसके अंदर आपको। प्लस जो स्टीयरिंग व्हील है ना वो भी काफी अच्छा है, बहुत ही इजिली आप इसको टर्न कर सकते हैं, बहुत ही इजिली टर्न हो जाता है ये। और जो इसका टर्निंग रेडियस वो 4.3 मीटर का मिलता है आपको। तो भाई छोटी मोटी गलियों में ले जाने में ना आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, बहुत ही अच्छे से टर्न हो जाएगा। और जो इसके अंदर आपको गियर शिफ्ट मिलते हैं ना वो काफी स्मूथ गियर शिफ्ट है, बिल्कुल कार की तरह इसके अंदर आपको गियर शिफ्ट मिलते हैं। बहुत ही जो गियर थ्रोज है ना वो बहुत ही शॉर्ट है, और 5 स्पीड ट्रांसमिशन होने की वजह से जो इसकी एवरेज है ना वो भाई बहुत ही शानदार हो जाती है। और आपको पता है अगर ये माइलेज अच्छी देगा ना तो भाई आपका जो प्रॉफिट है वो डेफिनेटली बढ़ने वाला है, तो ये भी एक बहुत ही अच्छी चीज मिलती है। प्लस विजिबिलिटी वाइज इसमें आपको कोई भी इशू नहीं आता है, और जो सस्पेंशन सेटअप जैसे कि मैंने बताया आपको वो काफी अच्छा मिलता है। पीछे आपको बहुत ही स्ट्रांग सस्पेंशन सेटअप मिलता है, और जो आगे मिलता है वो बिल्कुल कार की तरह मिलता है, तो वो भी कोई इशू नहीं आने वाला। और जो सीट्स है ना उनकी क्वालिटी भी काफी अच्छी मिलती है, बहुत ही अच्छी यहाँ पे सीट्स मिलती है आपको। और जो जो इंजन की हीट है ना वो सीट तक नहीं आती है, क्योंकि जो सीट का मटेरियल यूज किया है ना वो मारुति ने काफी अच्छा यहाँ पे सीट का मटेरियल यूज किया है। तो भाई इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उस क्वेश्चन का आंसर वहां पे दे देंगे। सो दोस्तों टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ।